बोनजोरनो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। हम आपको वेलकम करते हैं अमृतश्री पटनायक की क्विज वाली स्पेशल क्लास में। तो हम देखेंगे यहाँ पे, अगर आप नए इस चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत और शेयर कीजिएगा जिनसे आपके दोस्तों के साथ। खैर, ये जुमला हम देखते क्या कह रहा है। एल रिमोर्क्यो ए प्रेजेंटे उन डिस्पोजिटिवो दी सिकुरेत्सा के इन कासो दी स्गांचामेंटो अक्सिडेंटाले अक्सियोना ऑटोमेटिकामेंटे इल फ्रेनो दी सक्सियोनामेंटो। मैं आपको पहले उर्दू हिंदी में समझा लेता हूँ, समझ लो, उसके बाद में आप हम जुमला देखेंगे। देखो क्या होता है ना यहाँ पे, हाँ ये देखो, ये नजर आ रहा है आपको, ये जो तार है ना, देखो यहाँ ये बेहतर है। देखो ये बस बस अच्छी फोटो। देखो ये गाड़ी में आपको रिमोट पे जोड़ा रहा है ना, और इसके साथ आपको नजर आ रहा है इसे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक कनेक्शन कनेक्ट किया है, ताकि अगर वो ब्रेक पे पैर दबाए तो रिमोट पे कोई लाल लाइट जलेगी। जब आप इंडिकेटर करोगे बाएं बाएं हाथ, तो रिमोट की भी इंडिकेटर जलेगी। और इसके साथ एक ना स्टेनलेस स्टील की तार है जो जुड़ी हुई है गाड़ी और रिमोट के साथ, क्योंकि पहले हो चुका है, गलती गाड़ी में रिमोट पे टूट गई और फिर गाड़ी आगे गई और रिमोट के अपने वो टूट पड़ी और उसने 10-15 गाड़ी को ठोक दिया। तो अब ये आइंदा से ऐसे नहीं होता, क्योंकि अगर गलती से रिमोर्क्यू गाड़ी से जुदा हो जाती है चलती गाड़ी में, तो ये स्टेनलेस स्टील की जो तार है ना वो रिमोर्क्यू की हैंडल खींच लेती है, तो रिमोर्क्यू उधर ही खड़ी हो जाएगी और गाड़ी आगे बढ़ती, तो वहां पे किसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये हिफाजती फीचर है, बड़ी एक्सेलेंट है। तो जब से ये हमने लगा रखा है, हमारे रिमोर्क्यू की वजह से गाड़ियां नहीं टूटती। तो ये समझने के बाद अपनी तार देख ली है, तो कहते हैं रिमोर्क्यू ए प्रेजेंटे, रिमोर्क्यू के अंदर मौजूद है उन डिस्पोजिटिव दी सिकुरेट, मतलब एक सेफ्टी फीचर मौजूद है कि इनका जो दी स्गांचामेंटो अक्सिडेंटाले, कि ऐसी हालात में कि वो स्गंचारे हो जाती है यानी जुदा हो जाती है अक्सिडेंटाले यानी गलती से, अक्सियोना ऑटोमेटिकामेंटे चालू करता है ऑटोमेटिकली फ्रेनो दी स्टेशनामेंटो यानी हैंड ब्रेक को। और ये बिल्कुल सही कह रहा है ना, आपको हैंड ब्रेक खींच लेते जैसे मैंने आपको समझाया था, ठीक है। Le sospensioni di un veicolo a motore servono a irrigidire il veicolo in modo da che il conducente percepisca chiaramente tutti i saltellamenti della strada dovuto all'irregolarità della strada. Abbi, ye jumla maine padha nahi hai lekin mujhe yaad hai. Dekho, asperita della strada, irregolarità della strada, dekho del terreno. Ye keh raha tha na? To ye kya kehna chahta hai, sune? ये बिल्कुल उल्टा हिसाब कह रहा है। आपको पता है हमारी जो सस्पेंशन ही होती है, चार टायरों के करीब जो स्प्रिंग होते हैं जो हमको झटके से बचाते हैं, हमें महसूस नहीं करने देते। जब हमारी गाड़ी को झटके मिलते हैं हम बड़े आराम से चला रहे हैं, हमारी गाड़ी सब बर्दाश्त कर लेती है, हमें महसूस नहीं होता। तो बिल्कुल उल्टा हिसाब कह रहा है। पता है क्या कह रहा है ये, कि ये सख्त होता है ताकि आपको हर घटने का महसूस हो, कि जो अस्परिका मतलब क्या, सड़क अगर टूटी फूटी सड़क है तो उसके सारे खड्डे आपको महसूस हो, इसके लिए वो सख्त बनाया गया है। कहते हैं सस्पेंशन ने दी वही कोलो मोटोरे, उसका मकसद ये है कि रिजिडिटी वही कोलो, गाड़ी को टाइट कर दे, सख्त कर दे, मतलब हिले हिले ना, रिजिडिटी वही कोलो इन मोडो दा इन मोडो के इल कंडुसेंटे परसेपिस्का, यानी ड्राइवर को एहसास होता है, परसेपिस्का का एहसास होता है क्यारामेंटे बड़े अच्छे से, तुत्ती साल्टेलामेंटे सारा उथलना जो होता है, क्योंकि अस्परिता डेल टेरेनो सड़क और टूटी फूटी सड़क है उसके सारे झटके आपको महसूस हो। तो ये बिल्कुल उल्टा हिसाब बता रहा है, इसके लिए ये फालसो है, ठीक है। नेक्स्ट, i proiettori abbaglianti mal orientati possono abbagliare gli altri anabbaglianti, ma cioè dobbara sono i proiettori anabbaglianti mal orientati possono abbagliare gli altri utenti della strada. अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये अल्फाज प्रोजेक्टोरी क्या है। प्रोजेक्टोरी मतलब प्रोजेक्टर, जो आपको की गाड़ी में लाइटें नजर आती है वो हकीकत में लाइट नहीं है, जो आंखों के बराबर दो बड़े बल्ब जैसे लग रहे हैं ना आपको, वो प्रोजेक्टर है। इसके अंदर होती है लाइटें, अबलियांते अनबलियांते लाइटें होती है, तो ये जो आंख बराबर है, तो ये क्या होता है जब जब लाइट ऑन होती है, मानो के अनबलियांते हैं, अनबलियांते की रोशनी ऊपर जाके ना वो जमीन के नीचे तरफ फेंकती है ताकि रोशनी किसको दिक्कत न दे, है ना, जमीन पर रोशनी पड़ती है, वो अनबलियांते हैं, लो बीम लाइट। लेकिन और अबलियांते जो है उसने वो देता रोशनी बिल्कुल सीधे, तो आपको दूर नजर आता है फासले में,
तो ये ऐसे होती है, इसको ओरिएंटमेंटो मतलब क्या, जिस तरफ आप रोशनी फेंक रहे हो उसको बोलते हैं ओरिएंटमेंटो। अगर मेरी रोशनी इधर जा रही है तो मेरा ओरिएंटमेंटो यहाँ पे है। ये कहने का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि अगर आपकी प्रोजेक्टोरी जो अनबलियांती है, जिनको दूसरों को अंधापन महसूस नहीं करना चाहिए, उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो जमीन पर रोशनी फेंकती है, मान लो ओरिएंटमेंटो आपने उसको बराबर फिटिंग नहीं की थी उसके ओरिएंटमेंटो की, कहाँ पे रोशनी फेंक रही है, कहते पोस्ट सोनो अबलियारे, मुमकिन है कि सामने वाले बंदे को अंधा कर सकती है, अबलियारे कर सकती है। अंधा मतलब आपको बड़ी लाइटों से अंधापन महसूस होता है ना, अबलियारे आलत्री उतनी दला श्राद्धा। हाँ ये अक्सर हो चुका है, कभी कभी ना फिटिंग बराबर नहीं होती, या तो झटके से आपकी गाड़ी की लाइट हिल जाती है, तो आपको तो लग रहा है कि आप मासूम हो, आपको तो लग रहा है कि मैंने तो अनबलियां चलाई है, लेकिन सामने वाली गाड़ियां जो आ रही है सारे हॉर्न बजा रही है आपको कि अपनी लाइट कम करो। तो इसका ये मतलब है कि आपकी लाइटों की रोशनी की ओरिएंटमेंट तो हल हिल गई है और दूसरों को अंधा कर रही है, बेशक आपने अनबलियां चलाया है। ठीक है, अगर जो मैंने समझाया है मेरे समझाने के बावजूद आपको समझ ना आए तो हाथ उठा के पूछ लीजिएगा। तो ये अभी क्लियर करता हूँ, ये कहता है दोबारा सुन लीजिए, मेरे प्रोजेक्टोरी अनबलियांती मल ओरिएंटांती पोसोनो अबलियारे ली आल्ट्री उतेंती देला स्राद्धा, और ये वीरो है। अब ये चौक खाली करना आपको हमने सिखाया था, अभी हम पूछ लेते हैं, मैं आपकी माइक ऑन करने का मौका देता हूँ, आप माइक तो पहले से ऑन है। शकीर यूसुफ आप कोशिश करें, अय्यूब आप जी या सर, अय्यूब, तो भूलना मत कि इस चौक में यहाँ पे ये दो गाड़ियां हैं जिनके दायरे प्रतिनिधित्व मौजूद है। आप मुझे बताएं सीक्वेंस गाड़ी की कौन सी है, पहली दूसरी तीसरी गाड़ी। सर ए आके रुकेगी द्रव्यमान देख यहाँ पे कोई में? नहीं, नहीं मेरे भाई कोई नहीं रुकने वाला यहाँ पे, इस सूरत हाल में कोई नहीं रुकेगा, तो बेफिक्र रहे। आप दोबारा सोच जाए, एक गाड़ी है देखो ये तो, अच्छा आप माइक बंद करें, वेट करें, नाहिल लतीम आ जाए, नाहिल सर, सबसे पहले एस जाएगी, सबसे पहले ए किस जाएगी, शाबाश, उसके बाद में ए, ई आर। ब्रवी सीमा, तीसरी ई है और चौथी आर है, वेल डन। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ दोबारा, देखो मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी चौक में दायरे प्रतिनिधित्व की जो साइन होती है तो इनको तो इजाजत नहीं है, जब तक ये गाड़ी आजाद गाड़ियां दाएं बाएं हाथ से आ रही है उनको पहले गुजरने का देना है, उसके बाद में वो आगे बढ़ सकती है। तो आप दिमाग में ना इसे गैरअंदाज करें, आप ऐसे सोचे कि है ही नहीं, तो रह गई दो आजाद गाड़ियां, और पहली गाड़ी वो आगे बढ़ सकती है जिसके चौक से गुजरने पर दाएं हाथ से कोई तीर नहीं काटता। तो सोचे अगर एक कोशिश करता पहली गाड़ी बनने को, तो उसको राइट हैंड से सज्जे हाथ से दैस रास से खाए लास से एस ने ठोकना था, तो एक ड्राइवर एस के ड्राइवर को देख रहा, जब तक एस नहीं जाएगा तो ए नहीं गुजर सकता। तो सबसे पहले गाड़ी जैसे मिनाहिल ने कहा एस होने वाली है एस, उसके बाद में दूसरी गाड़ी है ए। अब इनके गुजरने के बाद आपने सोचना है, एक मिनट, कि जो गाड़ी चली गई है उनको गैरअंदाज करें कि ये नहीं है तो चली गई ना घर चली गई है, और इनको आजाद कर दें, आप उसको गैरअंदाज करें कि दायरे प्रेसिडेंस है, तो अभी ये दो आजाद गाड़ी की तरह बिहेव करेगी। इस सूरत हाल में भी अगर आर कोशिश करती तीसरी गाड़ी बनने के लिए आगे बढ़ने के लिए, तो उसको राइट हैंड से दाएं हाथ से दस रास से खाए लास से ई ने ठोकना था, तो आर का ड्राइवर ई के ड्राइवर को देख रहा है जब तक तो वो नहीं जाएगा नहीं जा सकता, तो तीसरी गाड़ी ई है और चौथी गाड़ी आर है, सीक्वेंस पता चल गया। अभी सीक्वेंस समझने के बाद हमें जुमला देखना है, इमरान माइक बंद करें, जुमला देखना है, इमरान नसीरी माइक बंद करें। तो ये मैंने आपको क्या सिखाया था, आपने ये सारे मसाला पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ना शुरू करोगे, आप पढ़ना शुरू करोगे पहली कैपिटल अल्फाबेट से, आ देवे दारला प्रेसिडेंसा अल वेहिकुलो एस, आने देना है एस को पहले गुजरने का हक, दारे प्रेसिडेंस पहले गुजरने का हक देना है एस को, बिल्कुल सही कह रहा है ना, वेलो है। अभी जो भी साइन लाल रंग की है, तीन कोने वाली, आसमान की तरफ देखते हैं, खुदावन हमें बचाए, ये खतरे की साइन है जो आपको 150 मीटर पहले आगाह करती है क्या खतरा है, ये बता रहे हैं। यहाँ पे सड़क पे मरम्मत चल रही है, उसके लिए इसको पीला भी बनाया गया है, आपको पता है कलर कोडिंग के हिसाब से जो भी साइन पीली होती है वो बताती है कि यहाँ पे रास्ते की मरम्मत चल रही है। तो कहते हैं सिग्नाले रफिगुरा तो प्रे अवीजा, निशान रे आगाह करती है, ऑब्लिगो दिदारे प्रेसिडेंसा, कहता है ये पहले गुजरने का हक देता है, आई वेई कोली के प्रो एंगनो इन सेंसो पोस्ट, तो वो गाड़ियां जो मुखालफ सामने से आ रही है उनको आपको पहले गुजरने का हक देना है, ये पहले गुजरने के हक से ताल्लुकात बिल्कुल नहीं रखती, आपको सिर्फ आगाह करती है, संभालो तेजी कम करो,
और सड़क पे आपको रास्ते बंदे मिलेंगे जो काम कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कह रहा, ये पहले गुजरने के हक से ताल्लुकात नहीं रखती। तो दोबारा सुनिए, ये फालसो है। Il segnale raffigurato preavvisa l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che provengano in senso opposto, और ये falso है। Next, अब ये दोबारा खतरे की साइन आ गई, और ये आपको होता है, ये खतरे की साइन बता रही है कि यहाँ पे बिना फाटक वाली ट्रेन की क्रॉसिंग आने वाली है, जिसे हम कहते हैं पासाजो अ लिवेलो सेंसा बैरियर, बिना फाटक वाली। तो ये कहता है इन प्रेजेंस अदर सिग्नाले राफिगुरातो, इस निशानदाई के मौजूदगी में ए ऑब्लिगेटोरियो, लाजमी है उजारे सिग्नलेशन सिग्नलेटोरे अकुस्टिको ट्रो क्लाक्सन। इन ये दो अल्फाज का मतलब होता है हॉर्न बजाना, पॉप। प्रीमा दी अट्रवर्सारे बिनारी, इसके पहले कि आप चौक से गुजरना शुरू करो, और ये फालसो है, हमें हॉर्न बजाने की जरूरत नहीं है। किसको हॉर्न बजाएंगे, ट्रेन ड्राइवर के लिए? ये बिल्कुल गलत है ना, ऐसा नहीं है। तो ये फालसो है, आगे बढ़ते हैं। तो दोबारा सुन लीजिए, कहते हैं इन प्रेजेंस दे सिग्नाले राफिगुरातो ए ऑब्लिगेटोरियो उजारे सिग्नलेटोरे अकुस्टिको क्लाक्सन प्रीमा दी अट्रवर्सारे ई बिनारी। बिनारी मतलब ट्रेन की पटरियों को बिनारी कहते हैं, लेकिन ये फालसो है। अभी ये खतरे की साइन बहुत सारी है, जब सारी खतरे की साइन बन चुकी और सब कानून निकल गए, फिर हमें याद आया कि ऐसे बहुत खतरे हैं जिसकी साइन हमने बनाई नहीं है। तो उन्होंने एक अच्छा आइडिया किया, उन्होंने एक कॉमन बना दिया खतरा एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, क्योंकि यहाँ पे आम खतरा है, पेरिकुलो जेनेरिको। उसके बाद में उसके नीचे आपको सफेद पट्टियां नजर आती है जो बताती है कौन सा खतरा है इस सूरत हाल में। ओके, तो ये तो कुछ और जुमला, तो कुछ और ही कह रहा है। जुमला कह रहा है सिग्नाले राफिगुरातो तो प्रे अनुंचा सलीता रिपिदा, कहती है आगाह करता है, सलीता यानी चढ़ान, रिपिदा मतलब बड़े ढाल वाली चढ़ान। तो ये आपको सलीता रिपिदा बता रहा है, एक मिनट, एक्सक्यूज मी। ओके, ये चढ़ान बता रहा है आपको, लेकिन ये गलत है। ये हाँ जी हबीबुल्ला, सर, ये किस खतरे की अलामत है अगर ये सही होगा तो? मैं आपको बता दो कौन से खतरे इसके साथ नजर आते हैं। ये तो आम खतरा है, मतलब आम खतरा, उसके नीचे पट्टियां बताती है, देखो सिग्नाले पेरिकुलो जेनेरिको अनेली। देखो ये आम खतरे के साथ ना आपको ये सारी चीजें इसके नीचे मिल सकती है। देखो इसके नीचे जो तो आम खतरा है ना, इस साइन इसके नीचे आपको ये मिल सकती है, ये मिल सकती है, ये सारी इसके नीचे मिल सकती है। ठीक है, तो इसके नीचे मिलेगी बताने के लिए, देखो आप मिसाल दे रहा हूं, अगर इसके साथ ये मिल गया, इसका मतलब बता रहे खतरा है कि यहाँ पे सड़क पे काम करने वाली गाड़ियां हैं, एक्सकावेटर हो रहे हैं, बैन करते हैं। अगर ये खतरा बता रहा है कि यहाँ पे ठंड बर्फ है इसके लिए, तो ये जनरली इस्तेमाल होता है, और बाद में खतरा को आगाह किया जाता है एक खास साइन के साथ। सरिता रिबिता मतलब बड़ी जोरदार ढाल, ये ढाल नहीं बता रहा था, चलिए फालसो है। E consentito trasporto di bambini senza che siano assicurati a sistemi di ritenuta purché su sedili anteriori in braccio a una persona maggiorenne. Abbi che è consentito, ha ijazat hai, trasporto di bambini, bacchon ko transport karna gaadi mein senza che siano assicurati, bina ke usko bandha gaya hai bachchon ki, उनकी सिस्टम अधिकतर तो उसको बोलते हैं, बच्चों की सीट होती है वो ऐसी बनती है सख्त के उसको वो सीट पे बंधे होते हैं, और वो पूरी सीट को भी हमने बकलब किया होता है, तो बच्चों को कुछ खतरा नहीं होगा। तो उनकी खास सीट के बिना कहते हैं आप इजाजत है गाड़ी के अंदर बच्चों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। फिर अल्फाज क्या कहता है, पुर के, इटालियन जबान में पर के का मतलब होता है क्यों, पुर के मतलब होता है एक शर्त में। एक शर्त में कहता है अगर आप सीधी अंतरियर मतलब आगे वाले सीट में बिठाओ आप इन ब्राचो ना पर सोना मजो रहने, एक एडल्ट मजो रहने है 18 साल से ज्यादा उम्र वाले बंदे के गोद में बिठा दो, वो चलेगा बिना सीट के भी। लेकिन ये गलत है, हम ऐसे नहीं करने देते इटली के अंदर, ये गलत है। दोबारा सुन लीजिए, ए कॉन्सेंटितो इल ट्रास्पोर्टो दी बम्बिनी सेंसा के सिया नो असिकुरati अ सिस्टेमे दी रितेनुता पुरके सु सेडिली अंटेरियोरी इन ब्राचो अ उना पर्सोना माजोरेन्ने, और ये फाल्सो है। अभी ये जुमला देखें, लसुंसियोने दी एलएसडी ए अनफिटामिना नॉन कॉम्प्रोमेटे ला फैकल्टा दी गुइडा, क्या मतलब है असुंसियोने यानी इस्तेमाल करना, एलएसडी और अनफिटामिना ये ड्रग्स होते हैं, नशा कराते हैं, ये केमिकल ड्रग्स हैं, नॉन कॉम्प्रोमेटे बहुत कमी नहीं पहुंचाएंगे आपकी फैकल्टा दी गुइडा यानी गाड़ी चलाने की काबिलियत में कोई कमी नहीं आएगी, बेशक आप इस ड्रग्स का इस्तेमाल करके गाड़ी चलाते हैं। देखो ये गलत है, आपको पता है ना ये नामुमकिन है, तो ये फालसो है। L'assunzione di LSD e anfetamina non compromette la facoltà di guida, è bilkul falso. Ok. Sorpasso tra motocicli si può effettuare sia a destra
कैसे निस्तरा बोलते, मोटरसाइकिल को आप दाएं और बाएं दोनों दोनों तरफ से ओवरटेक कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम मोटरसाइकिल कुछ भी हो हमेशा लेफ्ट से ही ओवरटेक करेंगे, ये गलत है। कहते हैं 500 तरह मोटरसाइकिल के, मोटरसाइकिल एक दूसरे को दाएं बाएं हाथ से ओवरटेक कर सकते हैं, फिल्मों में होते हैं, ये हकीकत में नहीं होता, इटली में तो नहीं होगा। तो कहते सिपो एफ कर सकते हो, निस्तरा से निस्तरा खायलास चापलास, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है।